अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अक्सर लोग हैरान रहते हैं और जब हमसे कांटेक्ट करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सर, हम बहुत सा अतर लगाते हैं, बहुत सा महंगा इत्र भी लगाते हैं, लेकिन हमको लास्टिंग नहीं मिलती। क्या वजह है सर लास्टिंग की? तो दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम हजरात के लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो होने वाली है जो लोग इत्र के बहुत शौकीन हैं, लेकिन लास्टिंग की वजह से यानी देर तक वो इत्र टिकता नहीं है, इस वजह से वो लोग हैरान रहते हैं। तो दोस्तों, उसका सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उसकी वजह बता देता हूँ। दोस्तों, किसी भी इत्र की या परफ्यूम इत्र की जो लास्टिंग होती है वो तो सबसे पहले डिपेंड करती है कि वो इत्र या वो परफ्यूम या वो परफ्यूम इत्र किस नेचर का है, नेचुरल है या नहीं है। अगर नेचुरल होगा, उसके अज्जा नेचुरल होंगे तो उसकी लास्टिंग ज़्यादा होगी, अगर नेचुरल नहीं होगा तो उसकी लास्टिंग कम होगी, एक वजह। दूसरी वजह ये है कि उसमें जो अज्जा शामिल हो रहे हैं वो अज्जा की नवियत कैसी है, उसकी नवियत के ऊपर भी इसकी लास्टिंग डिपेंड होती है, ये एक वजह हो गई। दोस्तों, दूसरी वजह जो अक्सर लोग हैरान रहते हैं, वो अहम वजह ये है कि टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा दर्जे हरारत होगा, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, दोस्तों किसी भी इत्र की लास्टिंग कम हो जाएगी, कम से कम उसकी लास्टिंग रहेगी। दर्जा हरारत जैसे जैसे कम होगा लास्टिंग बढ़ती जाएगी, यानी आप एकदम फुल गर्मी में जो इत्र लगा रहे हो उसकी जो भी लास्टिंग आपको मिलेगी। अक्सर लोग हमको ये कहते हैं कि सर, हमारे इत्र की तो कुछ भी लास्टिंग नहीं है, ज़रा सी भी लास्टिंग नहीं आ रही है, लगाओ 5-10 मिनट में उड़ जाता है। तो दोस्तों, उनको तो पहले ये बता दूँ कि हमारे जितने भी कलेक्शन हैं इत्र के, उनमें आपको इतनी कम लास्टिंग तो नहीं मिलेगी, बहरहाल लास्टिंग ज़रूर मिलेगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि लास्टिंग जो रहेगी, तो दोस्तों लास्टिंग का जो मामला है वो दर्जा हरारत पर बहुत ज़्यादा मुनसिर है। जितना ज़्यादा दर्जा हरारत होगा यानी गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, आप सख्त गर्मी के मौसम में लगाओगे तो लास्टिंग कम मिलेगी, और वही इत्र आप कम दर्जा हरारत में यानी सर्दियों के मौसम में लगाओगे तो इत्र की लास्टिंग ज़्यादा मिलेगी। और अक्सर ये लोग कहते हैं जब आते हैं कि ऐसा इत्र बताइए कि 2 दिन चले, 3 दिन चले, हफ्ता भर चले। तो दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता, किसी भी इत्र की एक लास्टिंग होती है, और लास्टिंग अभी जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मुनसिर होती है कि उसकी इत्र की नवियत कैसी है, प्लस दर्जा हरारत कितना है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों कि इंडोर और आउटडोर। जितने लोग इंडोर में इत्र लगा कर रहते हैं उनको लास्टिंग ज़्यादा मिलेगी। इंडोर मतलब कमरे में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं, तो उनको जो लास्टिंग रहती है इत्र की वो ज़्यादा मिलती है। अब उसमें भी अगर पंखे के नीचे डायरेक्ट बैठे हुए हैं तो लास्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी, पंखे से थोड़ा दूर बैठे हुए हैं तो लास्टिंग उसकी बढ़ जाएगी, यानी जितनी ज़्यादा हवा लगेगी लास्टिंग उतनी कम होती जाएगी। हवा लगने से बेशक वो फैलेगा, उसकी खुशबू फैलेगी, लेकिन लास्टिंग कम हो जाएगी, ये याद रखेंगे, जितनी ज़्यादा हवा लगेगी। उसके अलावा एक और ख़ास बात, अगर आप आउटडोर हो, बाहर हो, तो बाहर डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में हो, आप क्या काम करते हो, उसके ऊपर भी बहुत सारा इन्हेसार होता है। जैसे आप बहुत सख्त मेहनत का काम करते हो, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो इत्र की लास्टिंग कम हो जाती है। दूसरी बात कि आप अगर धूप में काम कर रहे हो तो भी इत्र की लास्टिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा आप
ऐसा काम कर रहे हो जिसमें रनिंग ज़्यादा हो रही है तो भी ये तरह की लास्टिंग कम हो जाएगी, किसी भी तरह का ये तरह उसकी लास्टिंग कम हो जाएगी। आप अगर सुकून से बैठने वाला काम कर रहे हो तो उसकी लास्टिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मजमूई तौर पर हम देखेंगे कि अगर आउटडोर है तो ये तरह की लास्टिंग कम रहेगी, इनडोर है तो ये तरह की लास्टिंग ज़्यादा रहेगी। दूसरी इसके अंदर एक और अहम बात बता देता हूँ कि दोस्तों अपने पसीने पर भी मुनासिर होता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे इत्रों की लास्टिंग अच्छी मिलती है, 4-6 घंटे मिलती है, लेकिन वही इत्रों जब कोई और लगाता है तो उसको लास्टिंग नहीं मिलती। तो ये डिपेंड करता है कि उसका बदन कैसा है, उसके जो जिल्द है उसका नेचर कैसा है और उसका पसीना कैसा है। अगर उसको बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है तो इत्रों की लास्टिंग कम रहेगी, पसीना कम निकलता है इत्रों की लास्टिंग ज़्यादा रहेगी। पसीने के अंदर अगर बदबू है तो इत्रों की लास्टिंग कम रहेगी। तो ऐसे लोगों को इत्रों थोड़ा ज़्यादा मिकदार में लगाना चाहिए। जो लोग आउटडोर काम करते हैं उनको ज़ायद मिकदार में इत्र लगाना चाहिए, जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनको भी कुछ ज़ायद मिकदार में इत्र लगाना चाहिए, जो लोग एकदम हवा फैन के सामने बैठे रहते हैं उनको भी थोड़ी ज़ायद मिकदार में इत्र लगाना चाहिए। तो दोस्तों इत्र की जो लास्टिंग रहती है वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मुनसर होती है। तो इस चीज़ को ख़ास ध्यान देंगे और किसी भी बात पर यानी हमेशा ये मत सोचिए कि उसको लास्टिंग मिल रही है मुझको लास्टिंग नहीं मिल रही है, क्या वजह है, मैंने तमाम वजूहत इसके अंदर डाल दिया, हो सकता है वो इंडोर ज़्यादा रहता हो तो इसके लिए उसको लास्टिंग ज़्यादा मिलती हो। और एक ख़ास बात और, अगर आपको इत्र जो लगाते हैं ना दोस्तों, बहुत से लोगों का ये रुझान होता है कि दूसरों को खूब महके, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं वाजे कर दूँ कि ठीक है अगर आपका ये रुझान है कि दूसरों को खूब महके तो अच्छी बात है, लेकिन इत्र जो लगाया जाता है वो अपने लिए ख़ास लगाया जाता है, दूसरों के लिए नहीं लगाया जाता। अपने लिए ख़ास इसके लिए कि हमारा जो दिमाग रहे वो फ्रेश रहे, हम इंजॉय कर सकें उस खुशबू को, इसके लिए इत्र लगाया जाता है। तो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में लगा लें, अगर आप आउटडोर रहते हैं पंखे के सामने रहते हैं गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में लगाएं और बार बार लगा लिया करें। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन में एक बार लगा रहे हैं या सिर्फ एक मरतबा दिन भर में लगा रहे हैं, दिन भर में 2-3 बार लगा लें क्या होता है, अगर आप वाकई इंजॉय करना चाहते हैं खुशबू को तो। और साथ ही साथ मैं एक और तरीका बता देता हूँ, अगर आप बनियान पहनते हैं तो आप बनियान के यहाँ पर थोड़ा सा दोनों साइड लगा ले इत्र, और यहाँ पर इत्र लगाने से फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जब उसको हवा लगेगी ये खुशबू उठ के डायरेक्ट आप को महसूस होगी और आप उसको इंजॉय करते रहेंगे और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। जो यहाँ पर इत्र लगाएंगे ये 10-12 घंटे तक चलेगी, अगर आप दिन में एक बार लगा लिए तो शाम तक आपको खुशबू देती रहेगी, रात में लगा लिए तो सुबह तक खुशबू देती रहेगी। सुबह तक मतलब ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो और बोले खुशबू आ रही है, यानी जब सुबह भी उठोगे तो आपको खुशबू महसूस होगी और आप अच्छी तरीके से उस खुशबू को इंजॉय कर सकते हो, उस इत्र को इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए नई होगी, शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे, कुछ लोगों के लिए नई होगी। और पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमारी ये मालूमात अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कर दे, क्योंकि बहुत से लोग इत्र के मामले में हैरान रहते हैं कि हमको लास्टिंग नहीं मिलती, तो उनको शेयर ज़रूर कर दे दोस्तों। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।